हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी क्लैट। मेरा नाम है ऋतुराज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ी चेंज जो कि सीबीएसई बोर्ड्स रिजल्ट 2023 को लेके आई है। इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो मैंने जैसा कि आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में, अगर आपने देखा हो, अगर नहीं देखा है यार तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आप लोगों को सारी अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। एंड स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो कि लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है तो ज़रूर कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ से बेटर कॉन्टेंट तुमको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं तुमको बता देता हूं कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2023 जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था दैट इट विल कम ऑन और बिफोर मे 15 इज नाउ। एक चीज़ हो रखी है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं ना, जैसा कि मैं आपको हर वीडियोस में यहाँ पर जो भी अपडेट डालता हूँ मैं काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बनाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दैट इज़ प्रीपोन्ड और देयर इज अ वेरी बिग चांस दैट योर रिजल्ट माइट कम ऑन 10th of May। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो है ये आर्टिकल एक बहुत ही अच्छे रिनोन्ड वेबसाइट पे अपलोड था और साथ ही में दैनिक जागरण इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग कि हाँ भाई तुम्हारा जो रिजल्ट है वो 10 मई को है एक्सपेक्टेड। यहाँ पर आप देखोगे ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड लिखा है एंड द बिगेस्ट रीजन अबाउट इट कि हाँ भाई आप लोगों का जो रिजल्ट है देयर इज अ वेरी बिग चांस दैट इट विल बी आउट ऑन May of 10th। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था इसलिए यार, क्योंकि 15 मई वाली जो बात थी वो बात तब हो रही थी इफ़ इट गोज टिल, मतलब कि अगर लेट से लेट अगर कुछ होता है तो 15 मई वाली बात हो रही थी, बट राइट नाउ द डेट्स मे बी प्रीपोन्ड और ये जो डेट्स है आपको May 10th को देखने को मिल सकती है। दिस इज रियली नॉट कन्फर्म्ड एट दिस पॉइंट, सीबीएसई हैज़ नॉट गिवन एनी क्लू बाय देम। मैंने उनके ट्विटर अकाउंट्स चेक करे, जीमेल भी करके देखा, बट उन्होंने अभी इस पर कोई अपडेट नहीं दी है। बट काफ़ी सारे जो ऑफिशियल्स है, काफ़ी सारे जो वेबसाइट्स है जो कि एक्चुअली भी जिनका ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट होता है इन सीबीएसई ऑफिस, दे आर क्लेमिंग दैट द result might come on May 10th and there is a very higher possibility of around 80% of this। ठीक है, but before moving ahead in the video मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग ले सकते हैं अभी 20% ऑफ यूजिंग द कोड PDNS10 ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शन, चाहे वो क्लैट का हो या फिर अगर आप सीबीएसई सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जाम तो क्लैट के प्रिंटेड मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं और ये जो होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होने वाले हो। साथ ही साथ आप लोगों के जो मॉक टेस्ट का कैलेंडर है आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसमें काफ़ी सारे फ्री मॉक्स है जो कि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रही है अगर आप क्लैट और डिफरेंट LLB एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों के लिए LLB बेस्ड द वॉरियर बैच ऑलरेडी लॉन्च हो रखा है जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जिसपे भी आपको 20% ऑफ मिल रहा है। और साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि जितने बच्चे स्लैट 2023 दे रहे हैं, अनअकैडमी हैज़ रिलीज्ड द मॉक टेस्ट सीरीज फॉर स्लैट जो कि एक्चुअली में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं कर रही है इन जस्ट 665 रुपीज और अगर आप इसमें PDNS10 कोड लगाते हो तो यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स फॉर श्योर। तो जाओ फटाफट और डिस्क्रिप्शन से जाके इन सारे ऑफर्स का फायदा उठा लो। फ्री मॉक टेस्ट आप सभी लोगों के लिए एक गिफ्ट फ्रॉम रितु भैया। और साथ ही मैं बता देता हूं कि भाई 20% ऑफ चल रहा है, तो कोई भी तुम्हारे दोस्त हो या तुम हो या किसी को भी किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना है PDNS10 कोड यूज करके आप लोग उस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं वीडियो में आगे। अब देखो यार, उसके अलावा काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स भी है जिसको कि अगर आप पढ़ोगे तो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि वेरियस मीडिया पोर्टल्स हैव रिपोर्टेड दैट द सीबीएसई 10th एंड 12th रिजल्ट will be published this week. Nevertheless, we advise students not to rely on this unfound rumors. काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं विच आर क्लेमिंग दैट दिस कांट बी अपलोडेड इन दिस वीक। अगर दिस वीक की बात करें तो 14 तारीख तक देयर इज अ वेरी लेस और नो चांसेस ऑफ रिजल्ट्स टू कम। यहाँ पर साफ साफ कुछ वेबसाइट्स ने ऐसा क्लेम करा है। साथ ही में उन्होंने बोला है कि ये जो सीबीएसई रिजल्ट के जो मेंबर्स है, वहाँ के जो स्टाफ्स है, वो इस चीज को ऑलरेडी डिक्लेयर कर देंगे ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट विच इज cbseresult.nic.in और cbse.nic.in। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको मिनिमम 33% की रिक्वायरमेंट टू पास। बट हाँ, यहां पर आपको मैं बता दूं सीबीएसई में 3 तरह की चीजें होती है, एक होता है कंपार्टमेंट, एक होता है एसेंशियल रिपीट। ठीक है, तो इन केस अगर आपका कंपार्टमेंट आता है तो यू कैन गिव योर कंपार्टमेंट एग्जाम इन अगस्त एंड आफ्टर दैट यू कैन ईजिली पास द एग्जाम और आप आगे की पढ़ाई प्रोसीड कर सकते हो जस्ट लाइक अदर चिल्ड्रंस। बट अगर आप लोग का एसेंशियल रिपीट आता है देन यू हैव टू गिव योर एग्जाम इन नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न ओनली एंड यू हैव टू गिव एग्जाम्स ऑफ आई थिंक एवरी सब्जेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स हैं विच हैव अपडेटेड दिस ओनली 2 to 3 hours ago that your result might come on 10th of May and various media articles are saying that there is no possibilities of result to come in this week. तो सबसे पहली बात है कि ये मे 14 और मे 10 वाली जो कंफ्यूजन है कि मे 10 को आएगा नहीं आएगा, बट देर इज अ वेरी बिग एंड हाई, मैं कह सकता हूँ 80% चांसेस है कि मे 10 को यार रिजल्ट आ रहा है, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ लॉट ऑफ पीपल और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड नंबर, स्कूल कोड, रोल कोड ये सब अपलोड कर दो एंड दे विल सेंड यू योर रिजल्ट, जो कि वो बहुत जल्दी भेज देंगे। मैं आपको बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ डोंट अपलोड एनी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी ऑफ द वेबसाइट। ये मेरा आपसे एक बहुत ही बड़ा पर्सनल कह सकता हूँ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट अपलोड योर एनी इन्फो ऑन एनी वेबसाइट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट और ऐप्स हैं विच आर क्लेमिंग दैट यू हैव टू अपलोड योर नेम्स एंड ऑल, और वो वहाँ से क्या करेंगे कि आपको रिजल्ट सबसे पहले भेज देंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपको रिजल्ट आपका ज़रूर मिल जाएगा। देर आर 3 to 4 पोर्टल्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट रिजल्ट, तो कहीं भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, उसके लिए आप रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मैं आपसे मिलता हूँ आपकी अगली वीडियो में। टिल दिन अपना ख्याल रखना, बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।